नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखने जा रहे हैं आर्टिकल का थर्ड लेक्चर। ठीक है, अगर आपने पीछे के दो लेक्चर देख रखे हैं तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आ रही होंगी कि हम आर्टिकल का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो पिछले लेक्चर्स में या पिछले वीडियो में हम रूल 5 तक पहुँचे थे। आज हम बात करेंगे रूल 6 से और उसके आगे देखेंगे। ठीक है, तो रूल 6 में हमारा सबसे पहला है माउंटेन रेंजेस, मतलब पर्वत श्रृंखलाओं का नियम। हम इस नाम से इसको जानेंगे। ठीक है, पर्वतीय श्रृंखलाओं का नियम माउंटेन रेंजेस को ये बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए जितने भी माउंटेन रेंजेस आएंगे उनके आगे हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हिमालय है, हिमालयाज। हिमालयाज जो है इसके आगे हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके आगे आर्टिकल द का यूज़ होगा। देखिए रॉकीज या रॉकी माउंटेन्स, इसके आगे भी हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। ध्यान हो गया? तो देखिए माउंटेन रेंजेस, हिमालय, रॉकी या रॉकी माउंटेन्स, इनके आगे हम आर्टिकल द का यूज़ किए हैं। एंडीज, जो एंडीज है एंडीज के आगे भी हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। ठीक है, और आल्पस, आल्पस इसके आगे भी हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। तो देखिए एंडीज इसकी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, आल्पस इसकी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो ये पूरे के पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर ये पूरे ग्रुप को दर्शा रहा है तो हम इनके आगे आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए जैसे हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोल रहा है हिमालयाज आर द ओल्डेस्ट चेन ऑफ माउंटेन्स। तो यहाँ पे बात कर रहा है हिमालयाज की, किसी एक माउंटेन की बात नहीं कर रहा है, किसी एक पर्वत की नहीं बात कर रहा है, ये पूरे पर्वत श्रेणी की बात कर रहा है, इसीलिए हम इसके आगे आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। ध्यान हो गया? चलिए एक एक्सेप्शन है, इसे आप ध्यान रखेंगे कि नेम ऑफ अ सिंगल माउंटेन, अगर सिंगल माउंटेन आ रहा है तो उसके आगे हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं। अगर सिंगल माउंटेन है तो उसके आगे हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझते हैं। ठीक है, देखिए ये एग्जाम्पल अपने को दिया गया है। यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं हम, तो माउंटेन एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो ये माउंटेन एवरेस्ट की बात कर रहा है, किसी एक पर्वत की बात कर रहा है। ठीक है, इसीलिए इसके आगे आर्टिकल द का यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे हमने देखा था कि अगर सिंगल माउंटेन है तो उसके आगे आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए माउंट आबू है, तो माउंट आबू किसी एक पर्वत को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी एक माउंटेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए इसके आगे आर्टिकल द का यूज़ नहीं होगा। ये विंध्यास, विंध्यास लिखा है, विंध्यास की पहाड़ियाँ, तो हम इसके आगे आर्टिकल द का यूज़ करेंगे क्योंकि ये पूरे के पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हमें लगता है कि आपको इतनी बात समझ में आ गई। अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर माउंटेन रेंजेज आती हैं तो वहाँ पे हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर सिंगल माउंटेन की बात करता है तो हम वहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं, रूल 7। रूल 7 में क्या बोल रहा है कि होली स्क्रिप्चर्स या बुक्स, मतलब जो आती हैं आपके पवित्र ग्रंथ, स्क्रिप्चर्स मतलब ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ या पवित्र बुक्स हैं उनके आगे आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे गीता, ये यहाँ पे गीता होगा, गीता, तो गीता के आगे हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे क्योंकि गीता एक पवित्र बुक है। ठीक है, इसीलिए इसके आगे आर्टिकल द का यूज़ होगा। अब हम बात कर रहे हैं रामायण, तो रामायण भी एक पवित्र बुक है। ठीक है, तो इसके आगे भी हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। फिर आगे है महाभारता, मतलब महाभारत, महाभारत जो बुक है इसके आगे भी आर्टिकल द का यूज़ करेंगे क्योंकि ये भी एक पवित्र बुक है। ठीक है, कुरान, तो कुरान भी एक पवित्र किताब है, इसके आगे भी हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। बाइबल, बाइबल के आगे भी हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। ऋग्वेदा, ऋग्वेदा इसके आगे भी हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। तो आपको ध्यान हो गया
कि अगर आती हैं होली स्क्रिप्चर्स यानी पवित्र ग्रंथ या पवित्र बुक, इनके आगे हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। ठीक है, आपने इसके एग्जांपल भी देख लिए। अब चलिए एक नोट की बात करते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आपको ध्यान भी रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बात कर रहा है कि अगर अथर्स नेम है, मतलब कि यहाँ पे जो लेखक है उसका नाम है, और नेम ऑफ द बुक है, किताब का नाम भी है, मतलब अथर यानी लेखक और किताब दोनों अगर दे दिए गए हैं, तो हम दोनों के आगे आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे। दोनों के आगे, हम बुक के नाम के आगे भी, चाहे वो पवित्र ग्रंथ भले हो, लेकिन उसके आगे भी हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे। अथर्स है, लेखक के नाम के आगे भी हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे वाल्मीकि रामायण है। तो देखिए, रामायण एक बुक है, पवित्र बुक है, इसके आगे आर्टिकल द का यूज़ होता अगर यहाँ पे लेखक का नाम नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, ये एक प्रॉपर नाउन है, वाल्मीकि एक प्रॉपर नाउन है, ये इसके आगे भी हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे राइटर का नाम था और यहाँ पे होली बुक थी, इसका भी नाम था, तो दोनों के आगे हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है कि रामायण इज रिटन बाई वाल्मीकि, तो हमसे ये जानना चाहता है कि यहाँ पे और यहाँ पे आर्टिकल आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए, बात हो रही है यहाँ पे कि अगर इस तरीके से दे दे डायरेक्ट, जैसे वाल्मीकि रामायण, मतलब वाल्मीकि की रामायण ये है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि रामायण इज रिटन बाई वाल्मीकि, तो देखो ये एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल द का यूज़ नहीं होगा, लेकिन ये एक होली बुक है रामायण, इसीलिए इसके आगे आर्टिकल द का यूज़ होगा। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे आगे रूल 8 की। देखिए यहाँ पे हमसे जानना चाहता है, जैसे हम जानना चाहते हैं न्यूज़पेपर के बारे में, कि क्या न्यूज़पेपर का नाम अगर आता है तो उसके आगे आर्टिकल का यूज़ होता है कि नहीं होता है, हम ये जानना चाहेंगे। तो देखिए, न्यूज़पेपर के नेम से पहले आर्टिकल द का यूज होता है। ठीक है, अब देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर है, इसीलिए इसके आगे आर्टिकल द का यूज़ होगा। हिंदुस्तान टाइम्स ये भी एक न्यूज़पेपर है, इसीलिए इसके आगे भी आर्टिकल द का यूज़ होगा। हिंदू, तो देखिए हिंदू नहीं होता है, ये न्यूज़पेपर होता है द हिंदू। ठीक है, ट्राइबन, ट्राइबन ये भी एक इंग्लिश पेपर है, इसके आगे भी आपका आर्टिकल द यूज़ होगा। स्टेट्समैन ये भी एक न्यूज़पेपर है, इसके आगे भी आर्टिकल द का यूज़ होगा। ऐसे जितने भी न्यूज़पेपर्स होंगे उनके आगे आर्टिकल द का यूज़ होगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिए, इसमें से कुछ चीज़ें जानना है। मान लीजिए अगर आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर का नाम भी पता नहीं होगा, अगर हम कहें तो आपको पता होगा टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदू, क्योंकि इंडिया में यही इंग्लिश पेपर छपते हैं नॉर्मली, जो हमारे यहाँ मिलते हैं, तो हम इनको तो जानते हैं। लेकिन क्या आपने ट्राइबन सुना है, क्या आपने स्टेटमैन, स्टेट्समैन सुना है? नहीं सुना होगा। तो फिर अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस में आ जाता है न्यूज़पेपर, तो हमें कैसे पता चलेगा कि अच्छा ये न्यूज़पेपर है? तो उसके लिए यहाँ पे एक हिंट है, ये देख लीजिए, अगर न्यूज़ वर्ड आ जाए या पब्लिश वर्ड आ जाए, दोनों में से कोई आ जाए, तो ध्यान रखिएगा, अगर न्यूज़पेपर का नाम ना पता हो तो हम न्यूज़ या पब्लिश वर्ड से पता लगा लेंगे कि न्यूज़पेपर है। अगर ये न्यूज़पेपर के आगे न्यूज़ दे दिया है या पब्लिश दिया है, अगर हमें न्यूज़पेपर का नाम नहीं पता है तो न्यूज़ या पब्लिश दिया है, तो हम इससे भी पता कर सकते हैं न्यूज़पेपर का कि कौन सा, हम ये जान पाएंगे कि न्यूज़पेपर है कि नहीं है। ठीक है, चलिए एक नोट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, हिंदी न्यूज़पेपर के नाम के आगे आर्टिकल द का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि हिंदी न्यूज़पेपर होगा तो उसके आगे आर्टिकल द का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए
अब हम आगे बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे रूल नाइन के। तो देखिए रूल नाइन में हम क्या बोलेंगे कि अगर सीज है, समुद्र, ओशियन महासागर है, रिवर, बे मतलब खाड़ी, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। तो अगर बात आती है कि अगर समुद्र का नाम दिया हो, ओशियन यानी कि आपका महासागर हो, या फिर नदी हो, खाड़ी हो, डिजर्ट हो, अगर ये आते हैं तो सभी केसेस में आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। जैसे अरबियन सी, इसके आगे आर्टिकल द का यूज़ होगा। इंडियन सी, हिंद महासागर, इसके आगे भी आर्टिकल द का यूज़ होगा। ठीक है, देखिए हम अब जानना चाहते हैं कि इसके आगे आर्टिकल द का यूज़ होगा कि नहीं होगा। तो देखिए पैसिफिक ओशियन ये नाम दे दिया है, ठीक है, कि प्रशांत महासागर। पैसिफिक ओशियन मतलब क्या होता है? प्रशांत महासागर इज द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। बोल रहा है कि पूरे विश्व में प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने देखा कि अगर ओशियन यानी कि महासागर हो तो इसके आगे भी हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ध्यान हो गया? चलिए अगर ये समझ में आ गया तो अब हम बात करते हैं बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पे हमने देखा था कि अगर खाड़ी आ जाता है यानी बे, तो इसके आगे भी हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ठीक है, सहारा डिजर्ट, सहारा का रेगिस्तान, इसके आगे भी हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे क्योंकि डिजर्ट है, रेगिस्तान है। तो हमने देखा था कि अगर डिजर्ट भी आता है, डिजर्ट आता है, तो इसके आगे भी हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, ज़रा इसको देखिए। तो हडसन बे मतलब हडसन की जो खाड़ी है, हडसन यहाँ पे ये आपका एस रहेगा, ठीक है, ये हडसन बे, हडसन की खाड़ी, यहाँ इसके आगे आर्टिकल द का यूज़ नहीं होता है। अच्छा ये याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है, इसको हम बाद में समझेंगे कि ऐसा क्यों है कि हडसन बे यानी हडसन की जो खाड़ी है इसके आगे आर्टिकल द का यूज़ क्यों नहीं हुआ है, इसके रीज़न को हम जानेंगे बाद में। अभी हम समझते हैं, याद रख लेते हैं कि अगर हडसन बे आती है तो उसके आगे आर्टिकल द का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम रूल नंबर 10 की बात करते हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हों या फोर्ट यानी कि किले हों, सभी केसेस में आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सभी केसेस में आर्टिकल द का यूज़ हम करते हैं, ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए जैसे ये आ गया हमारा रेड फोर्ट यानी लाल किला, क्या लाल किला के आगे आर्टिकल द का यूज़ होगा? हाँ बिल्कुल ये होगा क्योंकि ये एक फोर्ट है। ठीक है, ताजमहल, ताजमहल ये भी एक फोर्ट है, फोर्ट है, इसके आगे भी आर्टिकल द का यूज़ होगा। ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आगे ये भी एक हिस्टोरिकल है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग आप मान लीजिए इसे, तो ये भी हिस्टोरिकल है, इसके आगे आर्टिकल द का यूज़ होगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसके भी आगे आर्टिकल द का यूज़ होगा, तो ये ध्यान आपको रखना है। जैसे अगर हम बात करें व्हाइट हाउस, तो व्हाइट हाउस क्या है? एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। ठीक है, इसके आगे भी आर्टिकल द का यूज़ होगा। राष्ट्रपति भवन, ये भी एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, इसके आगे भी आर्टिकल द का यूज़ होगा। ठीक है, चलिए नोट एक समझिए। पार्लियामेंट है, क्या पार्लियामेंट के आगे आर्टिकल द का यूज़ होगा? तो केवल अगर पार्लियामेंट है तो उसके आगे आर्टिकल द का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, हमें अगर आर्टिकल का यूज़ करना है तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, तो हम इसके आगे आर्टिकल का यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ होगा, केवल पार्लियामेंट है तो उसके आगे आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आज हमारी थर्ड क्लास थी, इसके आगे वाली वीडियो में हम फोर्थ क्लास की बात करेंगे और इसके आगे के रूल्स को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नए लेक्चर में, नए वीडियो के साथ। ठीक है, नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ, तो थैंक यू।